गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यश अभी आ गया है, अभी हमको जाना है पिंपले सौदागर, वहाँ पे सब बच्चे आने वाले हैं। आज हमारा ऑलमोस्ट एक्चुअली लास्ट सेशन ही है, तो बाइक पे मिलते हैं, फिर तुम लोग को बताता हूँ आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। चलो गाइस चलते हैं पिंपले सौदागर, अराउंड हाफ एन आवर लगेगा। एक्चुअली क्या है, उससे जल्दी भी पहुँच सकते हैं अगर फास्ट चलेंगे तो, लेकिन हम लोग दोनों ड्यूक पे मतलब डिफिकल्ट पड़ता है। जो पिलियन रहता है पीछे जो बैठता है ना ड्यूक पे, इट इज़ वेरी स्केरी एक्सपीरियंस फॉर द पर्सन हु इज सिटिंग बिहाइंड। इसलिए आराम से जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। अभी वारजे तक हम जब पहुंचेंगे तब तुम लोग को फॉग दिखने लगेगा, मतलब वारजे से चांदनी चौक के बीच में जो पैच है ना वहाँ पे बहुत फॉग रहता है सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे 8 बजे तक। तो अभी वो दिखाता हूँ तुम लोग को। पहले देखो अभी भी तुम लोग को दिख रहा होगा ये स्मॉग नहीं है, ये फॉग ही है। ऐसा नहीं है कि धुआं हुआ मिक्स हुआ है फॉग में और उसकी वजह से पॉल्यूशन है, और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दिल्ली टाइप सीन नहीं है, प्रॉपर फॉग है। टुवर्ड्स वारजे ब्रिज जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी सीन देख रहे हो तुम लोग, इट इज़ एज गुड एज हिल स्टेशन। ऐसा लग रहा है कि भाई किसी हिल स्टेशन में आ गए हैं। ये देखो ये क्या सीन है गाइस, देखो ऐसा तुम लोग को लग रहा होगा कि ये स्मॉग है, मतलब इसमें धुआं मिक्स हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई कैन एक्चुअली फील द ड्रॉपलेट्स, ठंडी हवा है, मस्त है। ऐसा नहीं है कि एकदम ठंडा है, और मतलब दो जैकेट पहने मैंने, दो जैकेट में काम आराम से चल जाएगा अपना। पर आगे जाके तुम लोग देखोगे ना जीरो विजिबिलिटी, मतलब ज़्यादा दिखेगा भी नहीं आगे का, बहुत अच्छा लग रहा है। ये अर्ली मॉर्निंग राइड का मज़ा ही कुछ और है। फिलहाल हम फास्ट जा नहीं रहे हैं, पीछे बैठा है स्टूडेंट मेरा, उसको डराना नहीं है, इसलिए आराम से जाएंगे, नज़ारा एंजॉय करो। डर भी लगता है एक्चुअली, कभी सामने वाले कार ने बाइक ने ब्रेक मार दिया अचानक से और अपन स्पीड में रहेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, विजिबिलिटी इतनी कम है। पर आराम से जाएंगे, व्यू एंजॉय करो। और ये यहाँ पे मेरे गोप्रो के लेंस पे आ गया है पूरा ड्यू फॉग की वजह से, विजिबिलिटी वैसे भी बहुत कम है, कुछ नहीं दिख रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन अभी ये कैमरा क्लीन करना पड़ेगा। चलो गाइस राइडिंग पे फोकस करता हूँ, अभी सीधा सीधा मिलते हैं पिंपले सौदागर में। यहाँ से जैसे हम आगे जाएंगे ना बावधन साइड में, इतना फॉग नहीं रहता है, मतलब कुछ भी नहीं रहता है, सब क्लियर हो जाता है, अच्छे से दिखने लगता है। तो सीधा सीधा मिलते हैं पिंपले सौदागर में, राइडिंग पे फोकस करता हूँ, उसके बाद ट्रेनिंग सेशन चालू करेंगे। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, ड्रिल पहला ये है कि दो दो के तीन टीम है हमारे पास, यहाँ पे तीन कोन्स मार्कर्स लगाए हुए हैं, सो यू हैव टू पास थ्रू द मार्कर्स, पास इट बैक टू योर टीममेट, एंड देन ऑब्वियसली डिस्टेंस जो है मार्कर्स का वो छोटा छोटा होते जाएगा, सो जिसका सबसे कम टाइमिंग है वो जीतने वाला है। ऑलराइट सेकंड टीम, 3 2 1 लेट्स गो अगेन, वो मार्कर्स लगाओ। Okay, so you have to do zigzag, and once you reach the last cone, you have to pass it through the yellow cones. Then the teammate will go to the other side. He'll do the same drill, and then he comes here and he finishes. Okay, 31 seconds. Not bad at all. Not bad at all. Okay, we have last round, dog in the bone. Ready guys, ready ka? Team discussion, ready ka? You can face towards each other now. Ready? 3 2 1 let's go! Yeah, blue! Yellow! तो गाइस वी आर डन विद आवर ट्रेनिंग, वो तीन ड्रिल के बाद हमने 2v2 खेला, 2v2 के बाद पाना भी खेला, अभी एक पाना दिखा था तुम लोग को अथर्व ने दिया, बहुत मस्त पाना था। तो अथर्व की टीम जीत गई है, ट्रेनिंग यहाँ पे हमारी खत्म होती है, अभी कूल डाउन करेंगे उसके बाद घर जाएंगे, घर जाने के बाद मिलता हूँ मैं तुम लोग से।
रिमैच रिमैच ओ सर वीडियो। अरे ठीक है, वीडियो नहीं ठीक है। तो गाइस घर वापस आ गया हूँ मैं, मस्त फ्रेश फ्रेश हो गया हूँ अभी लंच के लिए पनीर। एक्चुअली मेरा कजिन भाई है, उसकी शादी होने वाली है, तो उसका कल केड़वन था। केड़वन मतलब हम ऐसे उनका इनवाइट करते हैं और लंच वंच ऐसा फुल प्रोग्राम रहता है, तो उसका वो पनीर का सब्जी अभी भी है, वो लंच के लिए खाने वाला हूँ। उसके बाद जाने वाला हूँ अमय के घर, जरा थोड़ा टाइम पास करूंगा। आज शाम को परफॉर्मेंस है, कल के व्लॉग में तुम लोगों ने देखा होगा वैसा ही ऑनलाइन परफॉर्मेंस है, वो इसी घर में करने वाला हूँ भाई के घर, और रात को वापस जाएंगे एजे क्लासिक। तो अभी सीधा सीधा मिलते हैं लंच के बाद अमय के घर में, क्योंकि थोड़ा रेस्ट लेना है, थक गया हूँ, तो थोड़ा रेस्ट लूंगा, आराम से लंच करूंगा, उसके बाद अमय के घर बात करते हैं। और यहाँ पे स्पेशल केक बन रहा है, हमारी जो भाभी है, हमारी मतलब मेरी जो भाभी है अमय की वाइफ, वो मस्त बेक करती है केक। किसी को ऑर्डर देना है तो बोलो, वो अभी रेडी हो रहा है, वो जब बाहर निकालेंगे तब तुम लोग को दिखाता हूँ। छान वासे तो है, वास तरी छाने तो है। कोई वो बेकिंग ग्लव्स अगर स्पॉन्सर कर सकता है तो प्लीज करो। I need them. तुमको एक मफिन फ्री मिलेगा, ऐसे वो दातातलं साफ करायची काडी डाल के देखना रहता है। काय म्हणतात त्याला हिंदीत काय म्हणतात हिंदीत काय म्हणतात हिंदी टूथपिक का म्हणतील? अच्छा टूथपिक, बर बाबा टूथपिक, वो टूथपिक ऐसे चार पांच ठिकाणी डाल के देखना रहता है। ठीक है लड़ा। मफिन्स भी अगर तुम लोग को चाहिए न्यू ईयर स्पेशल मफिन्स, तो नीचे मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, प्लीज ऑर्डर मफिन्स। गेली ती लाजून निघून गेली, तूच सांग बाबा, ऑर्डर मफिन बोल ना। बघा कसं कपल मिळून काम करतायत, नवरा बायको शिका जरा मुलांनो। एनीवे गाइस, अभी हम थोड़ा सा चिट चैट करेंगे, उसके बाद वापस जाने वाला हूँ बावधन परफॉर्मेंस की तैयारी करने, तो अभी मिलते हैं बावधन में। तो गाइस घर आ गया हूँ मैं, आप लोग देख ही सकते हो सेटअप पूरा हो गया है, लास्ट टाइम की तरह ये पार्टी है, किसी कंपनी की पार्टी है, ये न्यू ईयर पार्टी है, परफॉर्मेंस है 15 मिनट में, परफॉर्मेंस के बाद मिलते हैं, जरा परफॉर्मेंस निपटा लेता हूँ, फिर निपटा लेता हूँ मतलब अच्छे से ही करने वाला हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस के बाद मिलते हैं। अच्छा अच्छा हेलो ना, परफॉर्मेंस हो गया है, बहुत बढ़िया रहा परफॉर्मेंस, मजा है। अब टाइम आ गया है फैमिली के साथ थोड़ा चिल करने का, रात को भाई के साथ गेम खेलने का। ये व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करने वाले हैं, कल अनदर मीटिंग अनदर डे अनदर व्लॉग, सो बी रेडी एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर किया नहीं है तो। आई विल सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।